हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्रहरा, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं किस तरह से आपने MI2 डिवाइस के अंदर MIUI 11 को इंस्टॉल कर सकते हो। और दोस्तों, ये जो MIUI 11 है दोस्तों, ये एकदम जो लेटेस्ट वर्जन है, वो लेटेस्ट वर्जन तो नहीं बट बहुत ज़्यादा स्टेबल है। सो MIUI 11.0.5 शाओमी UI बिल्ड को किस तरह से अपने MI2 डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, और रॉम रिव्यू भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो ए रॉम किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, MI2 डिवाइस के लिए क्या क्या बग्स है, क्या क्या फीचर आपको मिलती है, सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और किस तरह से इस रॉम को इंस्टॉल करते हैं अपने MI2 डिवाइस के अंदर, वो भी मैं इंस्टॉलेशन वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, उसलिए आप वेट कर लीजिए। पहले मैं आपको माई डिवाइस में जाके दिखाना चाहूंगा दोस्तों। ये जो जो रॉम है दोस्तों, पहले ऑल स्पेक्स के अंदर चलते हैं। Xiaomi EU के तरफ से आता है, MIUI 11.0.5 स्टेबल बिल्ड है। Android 9 पाई आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। और सिक्योरिटी पैच की अगर बात करूँ तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 5 to 2020 का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाता है। मेरे हिसाब से दोस्तों, फेब्रुआरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, डिसेंट है। एनीवे, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर वाईफाई की, मोबाइल डाटा की। यहाँ पर दोस्तों वाईफाई भी का वो वाईफाई भी काम कर रहा है दोस्तों, वॉल्टी भी काम कर रहा है, मोबाइल डाटा भी काम कर रहा है दोस्तों। वाईफाई भी वर्किंग कंडीशन के अंदर है, वाईफाई के अंदर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ब्लूटूथ भी यहाँ पर वर्किंग कर रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको यहाँ पर मी शेयर भी मिल जा रहा है, वो भी काम कर रहा है। कास्ट को हमने ट्राई करके नहीं देखा है, VPN यहाँ पर काम कर रहा है, हॉटस्पॉट भी यहाँ पर काम कर रहा है, अभी फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लॉक स्क्रीन के अंदर दोस्तों बात करूँ, यहाँ पर आपको राइज टू वेकअप, डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन मिलता है, टैप फिंगरप्रिंट सेंसर टू वेकअप का ऑप्शन मिलता है, वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, स्मार्ट कवर मोड, पावर मेनू एक्सेस, क्विक सेटिंग्स एक्सेस का ऑप्शन मिल जाता है, पॉकेट मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। डिस्प्ले की अगर बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको डार्क मोड मिल जाती है, डार्क मोड की आप सब इनेबल कर सकते हो। डार्क मोड इनेबल करने के बाद बहुत ज़्यादा ही प्यारा दिखता है MI2 डिवाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था। पर यहाँ पर आपको दोस्तों ग्लोबल डार्क मोड नहीं मिलता है, अभी फिलहाल देख पाओगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको कलर के अंदर सैचुरेशन का ऑप्शन मिल जाती है, अगर आप चाहते हो इसे चेंजेस भी कर पाओगे। सिस्टम फॉन्ट अगर बात करूँ, सिर्फ एक ही फॉन्ट दिया जाता है दोस्तों, आपको MIUI 11 का फॉन्ट नहीं मिलता है। और यहाँ सब दोस्तों, फॉन्ट का जो साइज है उसे आप चेंज कर पाओगे। स्टेटस बार के अंदर आपको कुछ इस तरह से मिलता है, जैसे कि LTE आइकन को शो करना, कनेक्शन स्पीड को शो करने का ऑप्शन, बैटरी इंडिकेटर और क्विक सेटिंग्स लेआउट यहाँ से मिल जाता है। और उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन की, MIUI 11 है तो कम्प्लीटली MIUI 11 की सभी साउंड एंड वाइब्रेशन यहाँ पर आपको मिलती है। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर दोस्तों, आपको यहाँ पर डायल पैड, टोन टैप, साउंड, स्क्रीन लॉकिंग साउंड, चार्जिंग साउंड, अनमाउंट साउंड, स्क्रीन शॉट, डिलीट का साउंड अभी यहाँ से देख सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको एयरफोन के लिए अलग से दिया जाता है, यहाँ से आप MI का जो साउंड इनहाइजर है उसका मजा ले पाओगे यहाँ पर से, जो कि काफी अच्छी बात मुझे लगी है। नोटिफिकेशन के अंदर दोस्तों कुछ इस तरह से आपको मिलता है, ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। होम स्क्रीन की अगर बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर आप डिफॉल्ट लॉन्चर, होम स्क्रीन, ऐप ड्रायर का सेटिंग्स मिल जाती है, आइकॉन का साइज को चेंज कर सकते हो, एप्लीकेशन का जो आइकन है उसे हाइड कर सकते हो, मेमोरी स्टेटस बार को शो कर सकते हो, सजेशन को शो कर पाओगे। वॉलपेपर आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है, सिस्टम वॉलपेपर की बात करूँ कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, और लाइव वॉलपेपर भी एक मिल जाती है, जो कि फर्स्ट क्लास काम करते हैं। मैं पर्सनली ये वाला अभी यूज कर रहा हूँ, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा है। उसके बाद थीम, आपको यहाँ पर तीन थीम मिल जाती है दोस्तों, डिफॉल्ट, क्लासिक और एक ए वाला थीम मिलते हैं, जो भी आपको पसंद है आप डाउनलोड करके फिर से थीम को यूज करने के लिए आप MI अकाउंट को यूज करके थीम स्टोर से थीम्स को डाउनलोड कर पाओगे। पासवर्ड सिक्योरिटी के अंदर दोस्तों, आपको फेस अनलॉक भी मिल जाता है, वो वर्किंग कंडीशन के अंदर है। सो यहाँ से सिंपली नेक्स्ट कर दीजिए। ओके, ट्राई करते हैं फेस अनलॉक को। बहुत ज्यादा फास्ट मैं कहूंगा, फेस अनलॉक काफी ज्यादा फास्ट है। अगर मैं बात करूं पर फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट देखना और एक बार तो फिंगरप्रिंट सेंसर काफी ज्यादा फास्ट है, और जो फेस अनलॉक है वो भी काफी ज्यादा फास्ट है। तो फेस अनलॉक के साथ साथ दोस्तों, फिंगरप्रिंट दोनों ही मक्खन की तरह काम कर रहा है, कोई भी इश्यू यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद अगर बात करूँ दोस्तों, मेन चीज है बैटरी डिवाइस, अब बैटरी की कैसा है। तो इस फोन का बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छा है,
आपको मैं तो बताना चाहूंगा दोस्तों, 97% मेरा बैटरी था शाम, कल शाम को भी और अभी भी दोस्तों सुबह सुबह भी 97% ही मुझे यहाँ पर बैटरी बैकअप मिल रहा है। सो जो आइडियल रेंज है एकदम ही नहीं है दोस्तों, एकदम बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप है। देख पाओगे कोई भी दोस्तों यहाँ पर आइडियल रेंज नहीं हुआ है, मक्खन की तरह यहाँ पर बैटरी चल रहा है। सो इस रॉम का सबसे प्लस पॉइंट है दोस्तों इसका बैटरी लाइफ, इसका बैटरी लाइफ बहुत बहुत अच्छा है। आपको MI 11 का बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छा मिलेगा MI 2 डिवाइस के अंदर। अगर आपको और भी बैटरी चाहिए तो अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड तो है ही है, आप इसे यूज कर सकते हो अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड को। उसके बाद दोस्तों आपको एडिशनल ऑप्शन के अंदर डेट एंड टाइम, लैंग्वेज एंड इनपुट, कुछ बटन शॉर्टकट आपको यहाँ पर मिलती है और फुल स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो बटन भी यूज़ कर पाओगे, मुझे पर्सनली फुल स्क्रीन गेस्चर जी पसंद है। उसके बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन लाइट मिलती है, क्विक बॉल आपको मिल जाते हैं जो कि आप यूज़ नहीं करने वाले हो, वन हैंड मोड भी मिलता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो मेरे हिसाब से। उसके बाद आपको मिलता है स्क्रीन टाइम जो डिजिटल वेलविंग है तो उसका ही एक छोटा भाई आप कह सकते हो, स्क्रीन टाइम आपको यहाँ पर मिल जाती है जो कि बहुत ही बढ़िया है। फोकस मोड भी यहाँ पर आपको मिलती है एंड फर्स्ट क्लास काम करता है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, स्क्रीन टाइप को आप यूज कर सकते हो। स्पेशल फीचर की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्विक रिप्लाई मिलती है, यहाँ पर आपको गेम टर्बो मोड मिल जाती है। ये मेरे सबसे गेम टर्बो पुराना वाला वर्जन है और सेकंड स्पेस भी दोस्तों यहाँ पर वर्किंग कंडीशन के अंदर है। मी लैब की बात करूँ दोस्तों फाइन फोटोज इन गैलरी और AI प्रीलोडिंग का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है। उसके बाद क्या आपको MI अकाउंट से साइन इन करना चाहिए, मेरे सबसे आपको अगर आप थीम्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो MI अकाउंट से लॉग इन कर लीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप गूगल अकाउंट से लॉग इन करना नहीं चाहते हो दोस्तों एक नया गूगल अकाउंट क्रिएट कर लीजिए इस रॉम के लिए। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर कैमरा की तो कैमरा देख लीजिए दोस्तों, कैमरा यहाँ पर सब कुछ वर्किंग कंडीशन के अंदर है, कैमरा यहाँ पर फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड भी दोस्तों काम कर रहा है, आपको कोई भी शिकायत वाली बात नहीं है। MI 2 डिवाइस के अंदर ये जो रॉम है बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, मेरे हिसाब से आपको कोई भी शिकायत नहीं आना चाहिए इस रॉम के अंदर। और जो गूगल कैमरा है वो भी दोस्तों वर्किंग कंडीशन के अंदर है, ये दोस्तों गूगल गो है वो भी दोस्तों यहाँ पर काम कर रहा है, और जो नॉर्मल कैमरा होता है वो भी यहाँ पर वर्किंग कंडीशन के अंदर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गूगल कैमरा भी काम कर रहा है, कैमरा ट्रे पे एनेबल है, तो कोई तो प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है भाई सब। और एनिमेशन देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा प्यारा है और बहुत ज़्यादा फास्ट है। देखिए अभी मैंने इसके अंदर ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है इसलिए शायद बहुत ज़्यादा फास्ट है। जब आप इसे इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे दोस्तों तो आप शायद ये जो फ़ोन है थोड़ा सा स्लो हो सकता है, बाकी डिपेंड करेगा दोस्तों। और यहाँ पर आपको इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, पर MIUI 10 जो था दोस्तों जिसका मैंने वीडियो भी बनाया था उसके अंदर इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। बाकी आप देख पाओगे कुछ इस तरह से मिलते हैं, 40 MBPS का भी सपोर्ट मिलता है वीडियो क्वालिटी के अंदर, बट आई एम श्योर अगर आप 40 MBPS कर देते हो तो बहुत ज़्यादा चॉपी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लैगी भी हो सकता है, डिपेंड करेगा दोस्तों टोटली। और इस रॉम का सबसे अच्छी बात है दोस्तों इस रॉम का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, इस रॉम का बैटरी बैकअप उससे भी अच्छा है। सो मेरे हिसाब से इस रॉम का आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए अपने MI 2 डिवाइस के अंदर। सो इस रॉम का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी बात करते हैं दोस्तों इस रॉम को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं किस तरह से आपके पास जो MI 2 है उसके अंदर आप MIUI 11 को इंस्टॉल कर सकते हो। पहला जो चीज दोस्तों, अगर आपके पास MI 2 है उसके अंदर आपको कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करना होगा। किस तरह से MI 2 डिवाइस के अंदर कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करते हैं इसलिए मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर लेना। उसके साथ साथ दोस्तों आपको MIUI 11 का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर से दोस्तों आपको MIUI 11 को डाउनलोड करके आपके MI 2 डिवाइस के अंदर इंटरनल स्टोरेज के अंदर रख देना पड़ेगा। रख देने के बाद आपको TWR रिकवरी के अंदर बूट होना पड़ेगा। बूट होने के लिए पावर बटन और वॉल्यूम का जो अप बटन है, वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस कीजिए। उसके बाद आपका जो फोन है दोस्तों TWR रिकवरी के अंदर बूट हो जाना चाहिए। सो मेरा जो फोन है दोस्तों TWR रिकवरी के अंदर बूट हो चुका है। दोस्तों बूट होने के बाद पहला जो चीज आपको करना होगा, आपका पूरा डाटा का बैकअप लेना होगा। बैकअप में जाके दोस्तों यहाँ पर आपको सब कुछ टिक करके स्वाइप टू बैकअप में क्लिक कर देना होगा। मैं यहाँ पर बैकअप नहीं लेने वाला हूँ। बैकअप लेने के बाद आपको जाना होगा वाइप में दोस्तों, एडवांस वाइप में जाइए। उसके बाद इंटरनल स्टोरेज को छोड़ के डेल्विक सिस्टम वेंडर कैशे सभी को चेक करके दोस्तों यहाँ पर स्वाइप टू वाइप कर दीजिए। यहाँ पर वाइप होने में कुछ सेकंड ही लगती है। वाइप होने के बाद बैक आइए दोस्तों, बैक आइए। उसके बाद इंस्टॉल में क्लिक कीजिए, जिस भी फोल्डर के अंदर आपने MIUI 11 को डाउनलोड किया है उस फोल्डर के अंदर जाइए। सो मेरा यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर के अंदर है। सो MIUI 11 जैस्मिन आपको मिलेगा वर्जन 11.0.5.0 है, यहाँ पर इसे टैप कीजिए। उसके बाद यहाँ पर स्वाइप टू फ्लैश में टैप कर दीजिए। उसके बाद जो रॉम है दोस्तों आपके MIUI
इसके बाद ये जो रॉम है दोस्तों आपके MIUI डिवाइस के अंदर इंस्टॉल हो जाना चाहिए। इंस्टॉल होने में लगभग आपको 5 मिनट का टाइम लेगा, सो इंस्टॉल होने देते हैं। सो जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर फ्लैशिंग हो चुका है दोस्तों। अगर आप फ्लैशिंग हो जाए तो इस तरह से सक्सेसफुल करके लिखा आ जाएगा, सिंपली रिबूट सिस्टम में टैप कीजिए। उसके बाद अगर आपको नो ओएस इंस्टॉल करके दिखाई दे रहा है तो बैक आइए, रिबूट जाइए दोस्तों, यहाँ पर रिकवरी में टैप कीजिए, फिर से स्वाइप कर दीजिए। उसके बाद आपका जो फोन है दोस्तों रिकवरी के अंदर बूट होगा। बूट होने के बाद रिबूट में टैप करके सिस्टम में टैप कीजिए। उसके बाद आपका जो फोन है दोस्तों फास्ट बूट में 5 to 10 मिनट टाइम लेगा। MIUI 11 का पहला सेटअप में थोड़ा सा टाइम लेगा, सो इसे रिबूट कर लेना होगा दोस्तों। सो मैं आशा करूँ दोस्तों ये वीडियो को पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को दबा देना। और MIUI 11 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर लेना। और रूट का और TWD रिकवरी का वीडियो भी लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।